deep in the shadows. I know it's hard to put one foot in front of the other. So far. नंगी मिन करीरा जशवान। ओके, तो ये आपका सेंटर है पूरा का पूरा। तो ये बोटिंग सेंटर है यार, बेसिकली यहाँ पे बहुत लंबी लंबी बोट्स पड़ी हैं, यहाँ से लेके ये देखो कितनी लंबी है। इट्स लाइक 30 मीटर अराउंड ना दिस बोट, लाइक 30 फीट की लगभग इसकी लंबाई है, इससे ज़्यादा भी है, बहुत सारी पड़ी हैं यहाँ पे। And you will tell me something about this lake or something about your culture or something, whatever you want. Morang Boathouse, okay. Oh, training center basically. Morning. बहुत लंबा है यार। जैसा अच्छा लगे, जिस हिसाब से आपको अच्छा लगे आप उस हिसाब से यहाँ पे बोटिंग कर सकते हो। तो
टाइमिंग तो वैसे मैंने पूछी नहीं यार, एक्चुअली मैं ले ही नहीं रहा क्योंकि यहाँ पे ऐसा सीन है कि पूरी की पूरी बोट के चार्जेस हैं। ऐसा नहीं है कि आप अगर अकेले हो तो उसके 100 आपको देने पे सकते हैं, बट अकेले का कोई सीन नहीं है बेसिकली यहाँ पे। तो जहाँ पे आप देख सकते हैं कि बोटिंग के कितने शौकीन लोग हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे बोटिंग करने के लिए आए हुए हैं। तो यहाँ पे चेकिंग होती है, जो वहाँ से आप लेके आते हो टिकट उसकी चेकिंग यहाँ पे होती है, फिर आपको परमिशन दी जाती है बोट में बैठने के लिए। जैसे कि वो बैठ रहे हैं अभी, तो इस तरह ये बड़ी वाली है, इसमें ज़्यादा लोग बैठ सकते हैं, और ये छोटी वाली, इसको 7% वाली बोल सकते हो आप बेसिकली। और आपको कैब भी दी जाती है मणिपुर स्टाइल वाली। वो चले गए। लो जी तो सब चले गए, हमारे हाथ में बोतल रहेगी, हम रह गए और सब चले गए। वेदर बहुत खूबसूरत है यार। तो बेसिकली ये जितना भी सारा एरिया है ये फ्लोटिंग करने के लिए, आप अपनी कश्ती को ले जाओ कहीं भी बहुत दूर तक। वो दिख रही है आपको शायद, बहुत दूर तक, बहुत दूर तक आप जा सकते हो। और इसके पीछे जो हिल्स हैं पूरी की पूरी, जो सबसे टॉप का माउंटेन है ये वाला सबसे टॉप का माउंटेन है, और ये धीरे 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 छोटे होते 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 धीरे 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 इस साइड से कम हो जाते हैं। बेसिकली यहाँ पे माउंटेन्स हैं, और ये आपको ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ना, ये फ्लोटिंग करते हैं। ये शाम सुबह कुछ कहीं और होते हैं और शाम को कहीं और होते हैं। इसके अंदर छोटे छोटे घर बने हुए हैं, छोटे छोटे, ये देख सकते हो आप ये वाला, और यहाँ पे तो ये सारे के सारे जितने भी हैं फ्लोटिंग करते हैं। और ये जो ब्रिज बना हुआ है छोटा सा, ये भी फ्लोटिंग करता है, मतलब इसको बांध रखा है पूरे के पूरे, वैसे तो सिक्योरिटी के साथ बांध रखा है, बट ये हिल सिल कर रहा है। तो काफ़ी सारी ऑडियंस यहाँ पे आई हुई है। तो बेसिकली ये है यार मेरे पीछे लोकटक लेक, इसका मैंने आपको टिकट प्राइस बता दिए, सब कुछ एक एक चीज़ बता दी। तो अगर आपको आना है यहाँ पे एक्सप्लोर करना है तो आप कभी भी आ सकते हो। तो ये संगत है जो वापस आ गई है, हाय लो जी, तो ले ले झूठे। थैंक यू सो मच। हम लेक से आ रहे तो भैया मिल गए और भैया ने हमें लिफ्ट दी। भैया आपका नाम क्या है? बेंजो। भैया का नाम बेंजो है, ठीक है। और थैंक यू कर देना इनका कमेंट पे यार, थैंक यू सो मच।